सो हेलो एवरीवन, ये है सोलर इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो टोटल इनकम थी वो यहाँ पे 1624 करोड़ थी, जो बढ़कर यहाँ पे 1690 करोड़ हो गई है। आगे हम टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में एक्सपेंसेस जो है 1377 करोड़ थे, जो बढ़कर अब 1417 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। यहाँ पे हम इस शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं, तो यहाँ पे 191 करोड़ इस शेयर का ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जब यहाँ पर डिक्रीज होकर 124 करोड़ हो गया है। आगे हम इस शेयर के अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। ईयरली बेसिस में अर्निंग पर शेयर जो है 18.81 रुपये था, जो बढ़कर अब 21.82 रुपये हो गया है। ओवरऑल तो जो शेयर के रिज़ल्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आए हैं। फ़िलहाल तो आज इस शेयर में हमें जो है गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस शेयर को यहाँ पर शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से 1 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस शेयर को इसके अच्छे रिज़ल्ट की वजह से लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट इस मंथ तक का जो शेयर का है आपको 3950 रुपये के राउंड यहाँ पर लेकर चलना है।